कि पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या होना चाहिए जी। क्या पॉलिटिकल पार्टियां पुरानी जो आजादी की लड़ाई हमने जंग जीती कुर्बानियों से शहादतों से खून बहा करके तिरंगा झंडा जो बुना गया है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून जलियांवाला बाग में गिरा तभी बुना गया। इस्तफाकुल्ला खां भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव मंगल पांडे सबने खून बहाया अपना। क्या उस सोच पे हम 1% भी चले। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आप सबका अपना मौनिक और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शो में काफी ऐसे शहीदों के बारे में बातें की जाती है जो हमारा शो है पन्ने इतिहास के एक दोस्ती आजादी के शहजादों से। ऐसे शहीद जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन कहीं ना कहीं वो इतिहास जो है हमसे छुपा रह गया। हम बात करें मदनलाल ढींगड़ा जी की जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उनका परिवार से भी नाता टूट गया लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा इस देश की आजादी के लिए इस देश के प्रेम के लिए। तो आज हमारे साथ इस शो में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जो शहीदों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनके दिल में इतना प्यार है उनके परिवारों के लिए भी कि हमेशा उनके लिए तत्पर खड़े रहते हैं जिनका नाम है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि जो इतिहास है उसका कोई छोर नहीं है हमारी विरासत। हमारी विरासत हम बात करें कि हमारी सबसे विरासत में सबसे बड़ी जो चीज है वो इतिहास ही है। तो जो आजकल की यंगस्टर्स की हम बात करें ये यंगस्टर्स कहीं ना कहीं इतिहास से बहुत दूर होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं चीज से सहमत नहीं हूं आपसे। कमी अगर रही तो हमारी राजनीति इच्छा शक्ति की कमी रही जी। आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, शहीद आजम भगत सिंह ले लो, राजगुरु सुखदेव जी ले लो, चंद्रशेखर आजाद ले लो, इस्तफाकुल्ला खान ले लो, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ले लो, लाला लाजपत राय जी ले लो, सुभाष चंद्र बोस जी ले लो, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे जी। उस वक्त इनके पूरे शरीर के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा हुआ करता, शरीर पे खद्दर होता था, हाथ में तिरंगा झंडा होता था। पर उनका मकसद पॉलिटिक का ये नहीं होता था कि हम आजादी दिलाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नहीं। वो पॉलिटिक्स करते थे अंग्रेजों के साथ जी, जैसे छुपके आके पार्लियामेंट में बम फेंक दिया अंग्रेजों को भगाने के लिए, हिंदुस्तान के यूथ को जगाने के लिए, जलियांवाला बाग के अंदर सीने पे गोलियां खाई, शहीद उधम सिंह जी ने जनरल डायर का बदला जाके यूके में लिया। तो वो राजनीति करते थे इस तरीके से, अपने लोगों से नहीं करते थे, दुश्मनों के साथ पॉलिटिक्स करते थे। और जब उस वक्त ये पॉलिटिशियन राष्ट्रभक्त जी घर से निकलते थे तो कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी चाहते तो फांसी के फंदे से बच सकते थे जी। उन्होंने अपने माँ बाप को कहा नहीं, फांसी पे चढ़ना, फंदे को गले में लगाना वंदे मातरम अवश्य है, अगर हम नहीं करेंगे तो देश जागेगा नहीं, अंग्रेज भागेंगे नहीं, मातृभूमि जो जकड़ी हुई है लोहे की जंजीरों में इसको हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए शहादत दी। जहां तक मदनलाल ढींगरा जी का नाम आपने जिक्र किया, ऐसे लोग आज भी कई अपने परिवारों से दूर हो जाते हैं राष्ट्र के, बहुत लोग हैं। आज आरएसएस में देख लो, निकालो आरएसएस की संस्था में लोग आरएसएस के बारे में बड़े घटिया किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर उनके इतिहासों को देखें गड़बड़ छोड़ के बैठे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे जी जिन्होंने अपने परिवार बच्चे कईयों ने शादी नहीं कराई, ये नहीं कि उस वक्त है आज भी, पर ज्यादा तौर पे लोग पॉलिटिक्स में आकर के गंदी राजनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर ऐसे इतिहास के आज के पन्नों को भी देखा जाए, फौज में एक बेटा मातृभूमि की सीमाओं के लिए रक्षा के लिए शहीद हुआ है, उन राष्ट्रभक्तों की मिली हुई आजादी की रक्षा करने के लिए शहीद हुआ है, अगला बेटा तैयार है, पिता चला गया, फिर बेटा
पुश्ते जो हैं अभी भी मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या होना चाहिए जी। क्या पॉलिटिकल पार्टियां पुरानी जो आजादी की लड़ाई हमने जंग जीती कुर्बानियों से, शहादतों से, खून बहा करके तिरंगा झंडा जो बुना गया है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून जलियांवाला बाग में गिरा तभी बुना गया। इस्तफाकुल्ला खां, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे सबने खून बहाया अपना। क्या उस सोच पे हम 1% भी चले? बिल्कुल नहीं। मौके की तलाश में रहते हैं। दूसरे को दबाना कैसे है, उसको बदनाम कैसे करना है? आज जैसे चाइना के अंदर अभी खबर सुन रहा था कि चाइना के जो सैनिक थे फिर भारत में घुसने की कोशिश की, हमारे फौज के जवानों ने भगा दिया उनको। सारी जो चीजें हैं ये गंदी राजनीति का नतीजा है। जिस दिन पॉलिटिकल लोगों को पुराने इतिहास के खूनी पन्नों को एक सिलेबस नहीं सिखाया जाएगा, जैसे बच्चों को है ना, बचपन से एजुकेशन देते, फिर वो बड़ा होता है, कोई फौज में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अब्दुल कलाम की तरह साइंसिस्ट बनता है, कोई किरण बेदी की तरह पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई कल्पना चावला बनता है। क्यों? क्योंकि उनको एक शिक्षा, एक ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग क्या है, मेरा सवाल है, देश की जनता से भी, अपने आप से भी है और पॉलिटिशियन से भी है। आपका पिता अगर मंत्री एमएलए है तो आपका बेटा या आपकी बहू मेयर बनेगी जहां भी होंगे। ये कहां की राजनीति? क्या उनको कोई शिक्षा दी गई, उनको दिमाग दिए गए चलने के लिए? पॉलिटिक्स, एक बार महाजन जी स्पीकर थे पार्लियामेंट के अंदर, को बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिशियन होते हुए कहा राजनीति मत करो। हम ये कहना कि राजनीति मत करो, इसका मतलब हम अच्छे लोग नहीं हैं आज। पर एक छोटे सी लफ्जों को भी हम समझ नहीं पाते कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, अरे हमारे साथ राजनीति मत करना। राजनीति का मतलब, राजनीति अच्छी चीज नहीं है, राजनीति करो, पर राजनीति एक नाम हो चुका है, उसके अंदर राष्ट्रनीति की तरफ चलो। आई नरेंद्र मोदी जी है, हो सकते बीजेपी, पर उनकी एक पॉलिसी, एक उनका मिशन, सीमाओं की रक्षा, जवानों की रक्षा, उनके परिवारों की रक्षा, हिंदुस्तान के आम नागरिक की रक्षा, उनका एक कर्म है, अपने मिशन में लगे, उसको कहते राष्ट्रवाद। पॉलिटिक्स भी अगर कहीं करनी पड़ती है तो पॉलिटिक्स का मतलब यह होता है, जैसे असम है, असम में बांग्लादेश से लोग आ जाते थे और घुस करके हमारे यहां पे सारे बांग्लादेशी पूरे असम धीरे धीरे हिंदुस्तान में कब्जा करते थे, ठीक जी, करते। वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, पर वो सरकार बनाने का जो एक दिमाग में मकसद था कि हमारी सरकार बनेगी, हम घुसपैठियों को रोकेंगे, ये जो बांग्लादेश से आके कब्जा कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, फिर यूपी तक आएंगे, फिर पंजाब तक आएंगे, फिर सारा कब्जा कर लेंगे। तो उनकी पॉलिटिक्स ऐसी थी, बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में मोदी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, राष्ट्रनीति के ऊपर चुनाव लड़ा कि बांग्लादेश जो उधर लग रहा है कि अगर वहां हमारा कब्जा हो जाता है तो जिस तरीके से असम में हमने घुसपैठ रोकी हम वहां भी रोक देंगे। हम उसको कई बार कहते हैं ये राजनीति, नौ राजनीति में रह के राष्ट्रनीति करनी, हिंदुस्तान के लोग समझते नहीं। कोई वारदात हो जाती है वहां भीड़ भड़का इकट्ठा कर देते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है, मीडिया पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, फोटो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान आईएसआई क्या कर रही है, अफगानिस्तान से देश को क्या खतरा है, उसकी तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी, आम पब्लिक सोचने को तैयार नहीं है कि जो अफगानिस्तान में आज हो रहा है ये पुराने टाइम के ऊपर, जब महाराणा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का राज था, काबुल कंधार तक उस वक्त भी जुल्म हुआ करते थे, हमारे मंदिर तोड़े जाते थे,
मंदिरों के अंदर सोना गहना सब लिया जाता था, हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार होता था। यही तस्वीर थी जो आज आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं। आज हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे पास गोला अमरूद हथियार हम चलाना नहीं चाहते। और देश की तरफ देखेगा, उन शहीदों से मिली हुई आजादी की तरफ, इस मातृभूमि की तरफ देखेगा जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, हम तैयार खड़े। इसकी तरफ ना पब्लिक सोचती है, ना पॉलिटिशियन सोचता है और ना आज की पत्रकारी सोचती है कि हम किस मोड़ पे हिंदुस्तान खड़ा है और उसको किस तरीके से हमने बड़ा तरीके से खड़ा किया हुआ है। अगर हम हिंदुस्तान को लवारा छोड़ दें, है ना जी, हम मंत्री बन गए, हम पीएम बन गए, हम डिफेंस मिनिस्टर बन गए, हम जिंदगी के मजे लेंगे जैसे पहले लेते थे, पहले जिंदगी के हम मजे लेते रहे ना, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। आज हर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, अगर अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने 370 धारा हटाई। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसको कहते हैं राजनीति में रह के राष्ट्रनीति। और वो जिनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने आजादी ले दी, जो गुमनाम अभी भी हैं, उनकी आजादी की रक्षा, ये आदमी जी। बहुत खूब आपने कहा कि राजनीति में रह के हम राष्ट्रनीति के ऊपर चले, और ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने बताया कि भगत सिंह जी ने यही बात कही कि हमारी शहादत बहुत जरूरी है इस देश के, इस देश की आजादी के लिए, तो यही कहीं मैं इस बात पे आता हूँ कि मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, भीखाजी कामा, जिन्होंने इस जो देश का पहला तिरंगा, देश का पहला जो झंडा उन्होंने सबके सामने बनाया, स्थापित किया और बनाया। तो ऐसे ही और भी कई नाम है जो लुप्त हो रहे हैं। तो हम लोगों को अगर बात करूं कि ये सारे शहीदों को जिंदा रखने के लिए, इस शहीदों के इतिहास को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये धीरे धीरे नाम निकल रहे हैं जी। पहले क्या होता था, जिसकी सरकार होती थी उस पार्टी का अगर कोई चला गया तो उसके नाम पे एयरपोर्ट, उसके नाम पे सड़क, उसके नाम पे कोई और एजुकेशन सेंटर, क्योंकि हमने इतिहास के पन्नों को दबा दिया जी। हमने तो सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद नहीं किया, हमने तो भगत सिंह जी को भी याद नहीं किया, हमने तो कभी चंद्रशेखर आजाद जी को भी नहीं याद किया, हमने वीर सावरकर को नहीं याद किया। आज वीर सावरकर जी की बात कहे तो उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं लोग, जिनको काला पानी की जेल में रहना पड़ा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग। हमने इतिहास के पुराने खूनी पन्नों को निचोड़ करके, खत्म करके, समाप्त करके फेंक दिया। आज नरेंद्र मोदी जी आए, अब देखिए धीरे 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 वो चीजें सारी निकल के आ रही, वक्त लगेगा, शहादतें बहुत है, धीरे धीरे नाम आएंगे और उन सबके इतिहास को नई जनरेशन के सामने लाया जाएगा, पर इसको अभी थोड़ा वक्त मिलेगा जी। तो इसी कड़ी में ये बात जानना चाहूंगा, जैसे कि हम बात करें कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने जैसे आजाद भारत की सोच देखी थी, क्या वैसा आजाद भारत हम बना पा रहे हैं या उस सोच के ऊपर हम चल रहे हैं? नहीं, शहीद आजम भगत सिंह जी की वो बातों को याद करो, जब भगत सिंह जी को फांसी होनी थी तो उनके माता जी मिलने आते, तो भगत सिंह जी की आंखों में आंसू होते हैं, मां कहती है भगत सिंह जी को, भगत सिंह तू रो पड़ा, सामने फांसी का फंदा है, तू मौत को देख के रो पड़ा। तो भगत सिंह जी भावुक होके कहते हैं रोते हुए, मां मुझे पता है हमारे जाने के बाद आजादी जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी राजगुरु सुखदेव मेरे फांसी के रस्से को चूमने के बाद, पर मुझे एक तस्वीर नजर आती है, ये गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा, पर मुझे तस्वीर नजर आती है ये काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा। तो हम काले अंग्रेज हो गए ना जी, मायावती, लालू प्रसाद यादव या राजनीति के अंदर खद्दर पहन करके जो जिस तरीके से उसका खिलवाड़ करते हैं, खून से सजा हुआ खद्दर, तो भगत सिंह ने जो कहा वो सच हुआ, राष्ट्र प्रेम तो रहा ही नहीं, उस वक्त थी अंग्रेजों की गुलामी जी, आज राजनीति गुलामी, आज पॉलिटिकल टेररिज्म, जिसकी सरकार वो जैसा चलाए, प्रशासन भी गुलाम, प्रशासन जिसकी सरकार राजनीतिक पार्टी की उसका गुलाम, जनता उन सबकी गुलाम, ये मेरा अनुभव है जी, ठीक है ना। पॉलिटिशियन को भी कुर्सी और सत्ता चाहिए, वोट भी चाहिए, कुर्सी सत्ता चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेट है,
चाहे वो इंडियन पुलिस सर्विस हो चाहे आईएएस हो, आज के पहले के आईएएस आईपीएस नहीं, किसी को डीजीपी बनना है, किसी को किसी डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, उसको भी उस मुताबिक चलना पड़ेगा। तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा? क्या भगत सिंह ये चाहते थे? नहीं, भगत सिंह जी ये चाहते थे कि हमारे जाने के बाद अमीर हो या गरीब हो या आम आदमी हो, उनको इंसाफ मिले, उसको किसी की सिफारिश ना लगानी पड़े, वो ऐसी आजादी चाहते थे। तो आजादी का सपना अभी अधूरा है, आजादी नहीं है, बहुत अधूरा है आजादी का सपना। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है, मैंने सुना नहीं है, मैंने झेला है, मैंने पॉलिटिकल टेररिज्म भी झेला है, मैंने राजनीतिक आतंकवाद भी झेला है, और मैंने राजनीति गुलामी झेली है, और अब भी कई बार राजनीति गुलामी झेलता हूँ। बोलने के टाइम पे सोचना पड़ता, अरे उसको बुरा लग गया तो वो तो ऐसा कर सकता है, वो पावर में है। हम कई बार कहते हैं हम बम्बों गोलियों मौत से नहीं हारे हैं, हम 14 बार हमले सहे, कई सौ बार हुए जो रिकॉर्ड में नहीं है, जो रिकॉर्ड में 14 बार। हम बम्बों गोलियों से नहीं हारे हैं, हम हारे हैं फकर से, कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद और राजनीतिक गुलामी से हारे। तो आप इसका हिसाब ला लो, क्या कहां है देश, कहां है हम खड़े। हमारी आदत, हमारी नेचर, हमारी सोच पॉलिटिशियन की कहां खड़ी है। अब लखनीपुर बॉर्डर में जो कुछ हुआ, रोज वहां पे जो कुछ हो रहा, बड़ी बुरी वारदात, बहुत बुरा हुआ। एक गाड़ी को किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गया, तो हुआ बुरा, पर उसमें पॉलिटिक्स क्यों? हम मौके की तलाश में रहते हैं, इलेक्शन आने वाला है जी। जो ज्यादा से ज्यादा वहां पखंड करेगा और सीधे साधे लोगों बेवकूफ बनाएगा, वोट ले जाएगा। इलेक्शन ना होती शायद कोई ना जाता, मैं भी अगर जाऊंगा तो पॉलिटिक्स है। हाँ, बुरा हुआ है, जिसने भी किया है, किसी तरफ से हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो होना चाहिए दिल से चाहिए। बड़ा पैसा कमाया पॉलिटिकल पार्टियों ने, ले जाओ बोरी भर के पैसे की, लाओ पूरे देश के सब, जितना भी वर्कर, हर पॉलिटिकल पार्टी का भी फंड दो, बोरी भर भर के उनको दे दो। पैसे से उनका पूरा नहीं होगा अगर, पर फिर भी गुजारा तो चलेगा। तो ये पॉलिटिक्स जो है, ये अच्छी चीज नहीं रही। पॉलिटिक्स एक पेशा, एक धंधा, एक व्यापार का जरिया बन चुका है। जो आप शहीदों की बात शुरुआत की, मदन लाल डिंगरा हो या भगत सिंह जी हो, उनके साथ ये चीज मेल खाती नहीं। एक समुन्द्र का किनारा इधर है, दूसरा पता नहीं किधर है, बहुत लंबा फासला है आज की पॉलिटिक्स और आजादी से पहले की राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स, बहुत लंबा फासला जी। सर, मैं एक बात आपने से और जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि अभी हमें वो आजादी पानी है जो आजादी हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी, तो असल में आजादी का मतलब क्या है? मैं आपको एक चीज बताई, मेरे जैसा आदमी, इतने बम गोलियां खाने वाला, जो सामने मौत खड़ी है, मौत से अभी भी दोस्ती है ना, मौत आएगा, बम पड़ा है भी, लोग मारे जाएंगे, लो मैं बम पे चढ़ूंगा, मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दूंगा, नस भी ना बचे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फकर होगा। जब बम्बों से जाऊंगा तो मुझे ये तो कहेंगे ना, यार शहीद हुआ, इतना तो कह देंगे ना, कि इतना भी नहीं को कहेगा। पर जो पॉलिटिक्स है उसके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे आगे कहा, बम्बों गोलियों मौत से हम लड़ सकते हैं, जान भी दे सकते हैं राष्ट्र के लिए, पर अगर हमें कहे आजादी मिली हुई शहीदे आजम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी मिली हुई आजादी की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, तुम बम्बों गोलियों मौत से तो लड़ सकते हो, पर मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि मैं राजनीतिक आतंकवाद से नहीं लड़ सकता हूँ, उससे मेरी हार है। हार मानता हूं तो मानता हूं, जो सच है वो सच है जी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर हां ये जरूर मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश बड़ी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आजादी की रक्षा की थी, सरदार पटेल जी ने इस आजाद होने के बाद तुरंत आजादी की रक्षा करके राजाओं महाराजाओं को
खलेड़ करके रख दिया था और देश में कब्जा कर दिया था। उम्मीद है कि लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल की सोच पे और लोग आएंगे। अमित शाह जी हैं, लोग कुछ भी कहें, 370 धारा हटाई, 70 साल की कैंसर की बीमारी को समाप्त कर दिया, जवानों के खून बहते थे, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे, दुनिया से चले जाते थे, दम गुड़ जाते थे। आज सड़कों का निर्माण हो गया, बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण कर दिया, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं उसकी। जाके देखिए गाड़ी जाएगी मजेदार, आपकी सामने पाकिस्तान, सामने चाइना देख रहा है, हमारा भी देख रहा है, फर्स्ट क्लास लाइटें, फर्स्ट क्लास सड़कें, कभी भी हो हमारे जवान तैयार खड़े। हमने क्या किया कि पिछले समय में 7 साल के अंदर सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश हुई। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी सोच छोटी होगी, जिसकी सोच देशनी होगी, वो मेरी बातों पे नुक्ताचीनी जरूर करेगा। जिसकी सोच राष्ट्र होगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो नुक्ताचीनी नहीं करेगी। हमें नुक्ताचीनी करने की आदत पड़ गई। ये चीजें हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद आप इन चीजों को निकाल के रसद करना, क्या इसके ऊपर कोई गलत बोला मैंने? राम जन्मभूमि का निर्माण, सड़कों का निर्माण, जवानों के जाने के लिए बिल्कुल तैयारी, 370 धारा, राम सेतु, बड़े मुद्दे हैं ये, इससे बड़ी कोई चीज हो सकती? यहां देख लो आर्मी में जो शहादत होती थी, कितना बड़ा मेमोरियल, इंडिया गेट तो अंग्रेजों का है, हमने अपना बनाया, क्या आज तक किसी ने बनाया? भीड़ लगी हुई है, रोज सलामी होती है, इंडिया गेट के अंदर मेमोरियल बनाया, क्या किसी ने बनाया? हम जाते थे अंग्रेजों के बने इंडिया गेट को अभी भी सलूट करते हैं, हमने अपना बनाया, पहले क्यों नहीं हुआ? पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? क्योंकि हमने जिंदगी में मजे लिए, पॉलिटिक्स एक शौक था, पॉलिटिक्स एक मजा था, पॉलिटिक्स एंजॉय करना था, अफसर काम कर रहे हैं, हम तो मंत्री हैं, आज वो चीजें नहीं है। जी सर, जैसे कि अभी बात हुई कि यहाँ पे शहीदों को याद करने के लिए एक उनके लिए स्मारक बनाया गया, इंडिया गेट को छोड़ के जो हमने अपना बनाया, तो यही अगर शहीदों को श्रद्धांजलि की बात आती है हमारे सामने की, श्रद्धांजलि हम उनकी जन्म जयंती पे हम बात करें, शहीद दिवस पर बात करें, उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं सिर्फ फूल अर्पित करके, उनको असल श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 7 साल में बड़ा परिवर्तन आया, पहले जवान शहीद होता था उसके परिवार को दे देते थे 25,000, 70,000 बॉडी की कीमत लगाई जाती थी। आज पहली बात तो जवान शहीद ना हो, आज अगर कोई जवान शहीद होता है ना, सेंटर गवर्नमेंट देती 1 करोड़, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती 1 करोड़, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती 1 करोड़, दिल्ली सरकार देती है 1 करोड़, कोई स्टेटें देती 50 लाख। 25,000 से 1 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट भी दे 2 करोड़, 2 करोड़ अगर बैंक में जमा हो जाए, मेरा ख्याल 1.5 लाख, 1 लाख रुपया महीना ब्याज, मेरा ख्याल जो मुझे पता है जितना अनुभव है वो आ सकता है, तनख्वाह अलग मिलेगी। प्रधान जी, उनके परिवार को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, कई कमियां अभी भी हैं, इतना बड़ा देश है, कमियां हैं, पर जितना हो सकता है वो हुआ है। सर, और आपसे, आपके दिल में शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, इस देश के लिए इतना प्यार है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखो, मैं जलियांवाला बाग में बचपन में 7 साल की उम्र में जब मेरे दादाजी ने मुझे इतिहास बताया, किताबें पढ़ी, उन खून की लाल मिट्टी पे शपथ ली थी 7 साल की उम्र में, आजादी इन्होंने लेके दे दी, इनकी आजादी की रक्षा हम करेंगे, और ये बताया गया ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है, तो आज उस आजादी की रक्षा करते हैं और जवान जो शहीद होते हैं उन परिवारों के लिए खड़े रहते हैं, वो शहीद ही हमारे आदर्श। सोचना चाहिए कि उन्होंने शहादत क्यों दी, उसका क्या कारण था, अब क्यों शहादत होती, क्या कारण था? वो मौत का कफन बांध के अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, मौत का कफन बांधते हैं, तो क्या हम उनके लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? वो तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए नहीं जाते, वो सीमाओं की रक्षा करने के लिए मौत का कफन बांधते। जी, तो बहुत खूब आपने बताया कि हाँ, जब उन्होंने देश की आजादी के लिए कफन बांध के जब वो आगे जाते हैं, तो हमको उनके लिए
जरूर कुछ पे कुछ करते रहना चाहिए। तो सर आखिर में जाते जाते मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप देशवासियों को, आज के यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इतिहास के लिए, हमारे शहीदों के लिए। सबसे बड़ी भारत माँ, माँ ये भी माता, एक वो बड़ी माँ भारत माँ जिसने सारी माताओं को, सारे मंदिरों को, गुरुद्वारों को, गिरजाघर, मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं अजमेर शरीफ, अपने आंचल में समा रखा है ना, वो बड़ी माँ मजबूत है। सब मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद गिरजाघर में हम मजबूत हैं। सबसे बड़ी भारत माँ उसकी पूजा होनी चाहिए। हे भारत माँ तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे, और तेरे सुरक्षित होने के बाद हमारे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब जितना भी सब कुछ सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे माँ, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, जहां जहां तक तेरी सीमाएं लगती हैं वो सुरक्षित रहे। हम सबको ये प्रेयर करनी चाहिए, और ये प्रेयर जब हम करनी शुरू करेंगे, वाकई मैं सच्ची में कहूं लोगों के अंदर बोलने में, आस्था में बड़ी शक्ति होती है। तो माँ खुश होकर जरूर शक्ति देगी, हमारी सीमाएं, हमारी सबसे बड़ी भारत माँ हमेशा सुरक्षित रहे। जी बहुत खूब, आपने चंद शब्दों में इतनी अच्छी बात कही कि हम माँ रानी से यही दुआ करें कि जब देश की सुरक्षा के लिए, देश के सैनिकों के लिए हम दुआ करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेगा और सब खुशहाल रहेगा। तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, रेडियो माँ रानी के साथ जुड़े, और आपने इतनी अच्छी बातें सब कुछ इतिहास के लिए हमारे साथ साझा